माफिया और बदमाशों का सफाया करने के लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत बदमाशों के वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। उत्तराखंड में सहारनपुर के निकट गांव में पुलिस को बदमाशों के वारदात की सूचना मिली थी, तभी मौके पर पहुंची पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। बदमाशों की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस को भी कार्रवाई करना पड़ी, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। इन बदमाशों में से दो हिस्ट्री शीटर थे, जिनकी पुलिस को काफ़ी दिनों से तलाश थी। अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं वारदात में शामिल तीन बदमाश अभी फरार हैं। सीआईयू की जो टीम रोटी थी, ये पूर्व अभी जो बादराबाद में अभी हुआ था इनकाउंटर, उसके अभी उसकी तलाश में भी टीम लगी हुई थी। तो सूचना के आधार पर जो गांव में गए, तो वहां पर काफ़ी सारे ऐसे मवेशी मिले जो बंधे हुए थे, और वहां पर चार से पांच लोग करीब बताए गए थे, क्योंकि वो काफ़ी खेत वगैरह थे वहाँ पर। तो जब उनकी घेराबंदी की गई तो भागे, उससे भागने पर दो बदमाशों को, जो एक चांदपुर का रहने वाला है इसमें आस मोहम्मद, ये तो चार पांच मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही साथ इसमें भगवानपुर का रिहान है, जिस पर हिस्ट्री शीटर भी आठ मुकदमे दर्ज है, वापसी का भी अन्य मुकदमे भी दर्ज है। तो इनके दो लोग थे इसमें भागने के दौरान, जो जवाबी कार्रवाई में बोल लगे तीन लोग से फरार है, तो अभी वो कॉम्बिंग चल रही थी, इसीलिए हम लोग वहाँ पर सभी अधिकारी गढ़वा पर थे और अभी भी फोर्स में रहा हुआ है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।